हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। नीता कुकिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं इंस्टेंट सूजी पिज्जा। पिज्जा हम सभी का बहुत फेवरेट है और बच्चों को तो खासकर ये बहुत ही पसंद आता है। आज हम जो पिज्जा बना रहे हैं उसमें न तो हम मैदा का इस्तेमाल करेंगे न ईस्ट का, और ये बन भी बहुत जल्दी जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई रेसिपीज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए हमें चाहिए एक कप सूजी, आधा कप दही, आधा चम्मच इनो, आधा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक, ऑयल, और टॉपिंग के लिए हमें चाहिए मोजरेला चीज, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब हम ले सकते हैं, स्वीट कॉर्न बॉईल करे हुए, पनीर के पीसेस काटे हुए, और कलर्ड शिमला मिर्च और पिज्जा सॉस। सबसे पहले एक बाउल में एक कप सूजी डालेंगे और आधा कप दही डालेंगे, उसको थोड़ा मिक्स करेंगे और धीरे धीरे उसमें जरूरत के हिसाब से हम पानी डालेंगे। हमें पहले बैटर थोड़ा गाढ़ा रखना है। पानी हम इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और इसमें आधा चम्मच हम नमक डालेंगे। और इसको 15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक सूजी रेस्ट कर रही है तब तक हम पनीर रोस्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और पनीर पीसेस उसमें रोस्ट करेंगे। पनीर को हमें बिल्कुल हल्के से फ्राई करना है। हमारे पनीर हल्के पिंक हो गए हैं, हम गैस बंद कर देंगे और उसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, हमारी सूजी फूल चुकी है लेकिन ये थोड़ी गाढ़ी है तो हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। हमें इसका बैटर इस तरीके का चाहिए। अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। हम पहले गैस ऑन कर लेंगे क्योंकि इनो डालने के बाद में हमको इस बैटर को रखना नहीं होता है। अब इसमें हम आधा चम्मच इनो डाल रहे हैं और इनो डालने के बाद इसे हम बिल्कुल हल्के हाथ से हिलाएंगे। अब हम पैन में थोड़ा ऑयल लगाएंगे और सूजी का बैटर 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे। फिर इसको हम कवर कर देंगे और गैस को लो फ्लेम पे रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ये पीछे से सिका या नहीं। अभी हम इसको 2 मिनट के लिए और रखेंगे और इसमें हम थोड़ा चारों तरफ से ऑयल डाल देंगे। दो मिनट हो गए हैं, अब हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा सिक चुका है, अब इसको हम पलट देंगे। देखिए इधर से बिल्कुल परफेक्ट कलर इसका आया है। अब इसको हम एक बार गैस को बंद कर देंगे और इसके ऊपर इसकी टॉपिंग्स लगाएंगे। सबसे ऊपर हम पिज्जा सॉस लगाएंगे। पिज्जा सॉस की रेसिपी हमने पहले नीता कुकिंग क्लास में शेयर की है और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। सॉस लगाने के बाद इस पे हम चीज डालेंगे।
फिर इस पे हम कैप्सिकम लगाएंगे, फिर उसके ऊपर हम पनीर पीसेस लगाएंगे, उसके ऊपर हम बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न डालेंगे, फिर उसके ऊपर हम वापस से एक बार चीज डालेंगे, टॉपिंग लगाने के बाद में गैस ऑन कर देंगे और साइड में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। फिर इसको वापस 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और चीज मेल्ट हो चुकी है, आपका पिज्जा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस नीचे दिए कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको ये पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स पाएं। हम इसी तरह आपकी जिंदगी में स्वाद का तड़का लगाते रहेंगे। हैप्पी कुकिंग।